हम लोग ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पोजीशन नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग ट्रैंकुलाइज करें उसको। तेंदुआ जो होता है बहुत साई होता है, जब भी उसको फीलिंग हो जाएगा कि हम पे कोई खतरा है ना, वो प्लग झपक देता है तुरंत। ऊपर में 1x1 का एक वेंटिलेटर था जिसमें कि लगा हुआ था, पैक था, वो नल पे चढ़ के जो है उसे तोड़ करके वहां से निकल गया। वो तेंदुआ यहां तक आया है, इसकी पगमार्क यहां तक मिल रहा है, इसके बाद का पगमार्क नहीं मिल रहा है। बस वो नजर आ जाए, लोकेशन मिल जाए कि हाँ ये साइड पे है, ट्रैंकुलाइज होगा और तेंदुआ भी पकड़ाएगा। फिर हम लोगों पे अटैक किया और इस टाइप से अटैक किया कि जो लोहे का ग्रिल था वो तोड़ दिया। सब इंस्पेक्टर थे, उन्हीं के मकान में तेंदुआ घुस चुका था और वन विभाग की टीम अभी आ गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसको डार्ट भी करने का, बेहोश करने का इंजेक्शन देने का प्रयास किया गया लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो असफल हो गया। जो डार्ट करते हैं, चूँकि डार्ट करने का सबको परमिशन नहीं होता, वो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो इसको बेहोशी का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये बाहर निकल चुका है, 90% उम्मीद है, अभी लोग तस्दीक कर रहे हैं, हमारे स्टाफ तस्दीक कर रहे हैं। और आज अभी अभी कुछ देर पहले पटना से भी एक टीम आई है, स्पेशल टीम। अनुरोध है कि जो जैसी सूचना मिलती है तेंदुए किसी भी प्रकार की, उस नंबर पर तुरंत कॉल करिए क्योंकि हमारी टीम यही स्टेशन है। बच्चों और बूढ़ों को थोड़ा सा अंदर सेफ रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज बिहार झारखंड। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन के, ये पोस्ट इलाका है और ये लाला कॉलोनी भी कहा जाता है। इसी में जो है कल शाम को एक तेंदुआ आता है और घर के कमरे में जो है वो चला जाता है, लेकिन जो घर के लोग हैं किसी तरह जो है उसको बंद कर देते हैं और वो वन विभाग को सूचना देते हैं। बहुत बड़ा काम है, रिपोर्टर जी बहुत बार काम मार बहुत बड़का जगह बन, बहुत से ज्यादा बड़का जगह बन। भाई बहुत बड़का बन, बहुत इसको देखियो रिपोर्टर जी बहुत बड़का जगह बन, बहुत से ज्यादा बड़का जगह बन। तेंदुआ जो है आ गया और हम लोग पता किए हैं तब तक जगजीवन कॉलेज के सामने अपना एक मकान है, सब इंस्पेक्टर थे, उन्हीं के मकान में तेंदुआ घुस चुका था। उन लोगों ने खबर किया, तुरंत हम लोगों ने भी वन विभाग और लोकल जो पुलिस है यहाँ की उसको हम लोगों ने खबर किया और वन विभाग की टीम अभी आ गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तेंदुआ को पकड़ में आ गया है, बंद है रूम में, उसको बंद किया गया। किसी पर हमला भी किया नहीं, अभी किसी पर हमला नहीं किया। तो ट्रैक करते हुए पगमार्क से पता चला कि ये तेंदुआ हो सकता है। तो हम लोग ट्रैक करते हुए यहाँ तक आए तो पता चला कि घर के अंदर बंद है, तब से हम लोग यहाँ पे इसको घेराबंदी किए हुए थे जी। और इसको डार्ट भी करने का, बेहोश करने का इंजेक्शन देने का प्रयास किया गया लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो असफल हो गया। कितने घंटे तक से रेस्क्यू चला? हम लोग अभी 2 घंटे से ज़्यादा हैं यहाँ पे। बताया जा रहा कि 6 बजे से स्टार्ट हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 के बाद 7 बजे के आसपास फिर ससराम से टीम आई, वो जो डार्ट करते हैं, चूँकि डार्ट करने का सबको परमिशन नहीं होता, वो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो इसको बेहोशी का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो फिर 1 घंटा हमने उनका वेट किया और वो आए और दुर्भाग्य से उनका जो डार्ट था वो रिवाइंड कर गया। वो तो फिलहाल क्या अपील है लोगों से? तो ये बाहर निकल चुका है, 90% उम्मीद है, अभी लोग तस्दीक कर रहे हैं, हमारे स्टाफ तस्दीक कर रहे हैं और डिहरी में सुबह में खासकर
अभी आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग सबको अलर्ट कर दीजिएगा, सुबह में मूवमेंट आँख मूंद के ना करें, थोड़ा सा देख के जागरूक होकर करें, और नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग सुबह तो कोई कंक्लूजन निकाल लेंगे। किस किस जगह से टीम आई हुई थी रेस्क्यू करने के लिए? अभी तो बस डेहरी का हमारे स्टाफ हैं, डेहरी के ही हमारे डेहरी रेंज के ही स्टाफ हैं, और सासाराम से बस वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर आए हुए थे। और कोई बताया जा रहा है कि पटना से टीम भी आएगी? पटना से टीम आएगी, सुबह आएगी, सुबह उनके आने की सूचना हमको भी है, सुबह आएगी। तत्परता से काम करिए, काफ़ी संख्या में हम लोग सर्च कर रहे हैं, और आज अभी अभी कुछ देर पहले पटना से भी एक टीम आई है, स्पेशल टीम। जैसे ही हम लोग को तेंदुए की सूचना मिलती है तो हम लोग तुरंत उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। बस सब लोगों से अनुरोध यही है, सारी जनता से, जितने मीडिया वाले हैं, कि कुछ नंबर हमने सर्कुलेट कर रखे हैं, तो ये तेंदुओं को ये भी समझिए वो दिन का टाइम है, दिन के टाइम में रेस्ट करता है, सुबह भी हो सकता है, तो सभी लोग थोड़ा जागरूक रहिए। अनुरोध है कि जो जैसी सूचना मिलती है तेंदुओं की किसी प्रकार की, उस नंबर पर तुरंत कॉल करिए, क्योंकि हमारी टीम यही स्टेशन है, दोनों टीम यहाँ हमारे वन विभाग की भी, पटना की स्पेशल टीम, तुरंत रेस्क्यू कर दिया जाएगा। और बाकी अपनी सेफ्टी बरकरार रखिए, बच्चों और बूढ़ों को थोड़ा सा अंदर सेफ्टी रखिए, बस यही है कहना। एक्चुअली है क्या कि तेंदुआ जो है एक कमरे में बंद था, जो बेड के नीचे था। हम लोग ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोजिशन नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग ट्रैंकुलाइज करें उसको। किसी भी तरह से हम लोग उसमें हरकत लाए, और जब सामने में आया तो खुद हम लोगों पे अटैक किया, और इस टाइप से अटैक किया कि जो लोहे का ग्रिल था वो तोड़ दिया। उस कंडीशन में थोड़ा सा वो शांत हुआ तो हम लोगों ने जो है उसको डांट किया। तो तेंदुआ जो होता है बहुत साई होता है, जब भी उसको फीलिंग हो जाएगा कि हम पे कोई खतरा है ना, वो पलक झपक देता है तुरंत। तो उसी क्रम में हम लोगों ने डांट किया और वो डांट मिस कर गया। उस रूम से कनेक्ट जो है एक बाथरूम था, वो बाथरूम में चला गया और नल को तोड़ दिया, जो पानी हमें गिरने लगा। हम लोगों ने ऊपर से चाबी से पानी को बंद करवाया। ठीक ऊपर में वन बाई वन का एक वेंटिलेटर था, जिसमें कि लगा हुआ था, पैक था, वो नल पे चढ़ के जो है उसे तोड़ करके वहाँ से निकल गया। लेकिन अंधेरा होने के कारण, चूंकि पीछे रहसी एरिया है, हम लोग उस तरह जाने में कठिनाई था, थोड़ा सा पूरा घूम के जाना होता। जब तक कि हम लोग जो है बात कर पाते कि हाँ ये तेंदुआ यहाँ से निकल पाया है, थोड़ा सा डिले हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मॉनिटरिंग स्टार्ट किया, कल रात से हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो तेंदुआ यहाँ तक आया है, इसके पगमार्क यहाँ तक मिल रहा है, इसके बाद का पगमार्क नहीं मिल रहा है। तो रात से ही हम लोगों ने कैंप किया हुआ है, माइक के द्वारा अनाउंस करवा रहा है पब्लिक को सचेत करने के लिए, और हम लोग कंटिन्यू उसके पीछे लगे हैं। अभी भी देख रहे हैं आप लोग कि हम लोग जो है उसी में लगे हैं कि भाई किसी तरीके से तेंदुआ को हम लोग पकड़ा जाए, बस वो नज़र आ जाए, लोकेशन मिल जाए कि हाँ ये साइड पे है, ट्रैंकुलाइज होगा और तेंदुआ भी पकड़ाएगा। लेकिन तब तक पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे माइक के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग सचेत रहें, दरवाज़ा बंद करके रखें, बूढ़े एवं बच्चे को जो है बाहर अननेसेसरी ना निकलने दें, कृपया वो लोग कॉपरेट करें, तभी हम लोग काम कर पाएंगे अच्छे। बहुत बड़ा काम है। इसको तार देती हो रिपोर्टर जी? अब देखना ये होगा कि क्या वन विभाग, तो कल जो शाम में जो रेस्क्यू किया जा रहा था वो तो जो तेंदुआ है वो तो भाग निकला, लेकिन आज क्या वन विभाग द्वारा वो रेस्क्यू में पकड़ा जाता है या नहीं, और जो वन विभाग के जो वो जो अधिकारी हैं उनका हाथ और पांव वो फूल रहे हैं कि आखिर तेंदुआ कहाँ गया। अब देखना ये होगा साफ तौर पर कि क्या वन विभाग के अधिकारी आज उनको आज तेंदुआ को पकड़ पाते हैं या नहीं। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।